दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब स्कूल टाइम से ही सुनते आ रहे हैं, और आज के समय में यूट्यूब पर कंपाउंडिंग के ऊपर कई सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर लोगों को कंपाउंडिंग का सही से यूज करना बिल्कुल नहीं आता। कई लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग का यूज हम केवल पैसों को ग्रो करने में ही कर सकते हैं, परंतु आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का यूज हम अपनी नॉलेज बढ़ाने में या लाइफ के दूसरे एसेट में भी कर सकते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर लोग जीवन भर पैसा कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते और ना ही कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की जर्नी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की असली पावर का पता ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कंपाउंडिंग के असली राज जानने हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो फाइनेंशियल नॉलेज की अधूरी जानकारी आपको लॉस भी करवा सकती है। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 1, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक कागज या पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हो, तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं एक कागज को 4 बार फोल्ड कर सकता हूं। कई लोग बोलेंगे मैं इसे 5 बार फोल्ड कर सकता हूं। जो लोग हम में से जिम वगैरह जाते होंगे वो शायद बोलेंगे कि मैं इसे 8 बार फोल्ड कर सकता हूं। लेकिन अगर एक पेपर को 45 बार फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा? आप में से कई लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि कोई भी एक पेपर को 45 बार फोल्ड नहीं कर सकता, 4-5 फोल्ड के बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई कागज या न्यूज़पेपर को जब 45 बार फोल्ड करेगा तो क्या इसकी थिकनेस तुम्हारी हाइट के बराबर हो जाएगी, या आपकी घर की हाइट जितना, या फिर दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची हो जाएगी? अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो अगर आप एक पेपर को 45 टाइम्स बार फोल्ड कर देते हो तो इसकी हाइट अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, और अगर आप इसे एक बार और यानी 46 बार फोल्ड करेंगे तो आप अर्थ से लेकर मून और मून से लेकर अर्थ वापस आ सकते हैं। मैं जानता हूँ ये इमेजिन करने से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, और इससे पहले मैं कंपाउंडिंग की दूसरी चीजों के बारे में समझाऊं, इसे हम अपनी सिंपल भाषा में कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखो, एक पेपर की थिकनेस ऑलमोस्ट होती है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम इस पेपर को पहली बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.02 सेंटीमीटर, और एक बार और फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस होगी 0.04 सेंटीमीटर, एच सो ऑन। और ऐसे ही अगर हम इस पेपर को 30 टाइम फोल्ड कर देंगे तो हो जाएगा 1073741 सेंटीमीटर, जिसे हम 10.7 किलोमीटर भी कह सकते हैं। एट लास्ट अगर हम किसी पेपर को 45 टाइम बार फोल्ड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 350,000 किलोमीटर, जबकि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस 384,000 किलोमीटर है, इसलिए हमें मून को 34 किलोमीटर दूर से देखना पड़ेगा। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो दोस्तों, ये होती है असली पावर कंपाउंडिंग की। चैप्टर नंबर 2, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, ये इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों, आपने बचपन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला अवश्य पढ़ा होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला आपको सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। जहाँ ए बराबर पी, 1+R/N की होल पावर NT, ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला, जहाँ पी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम, एंड एन इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। यदि हम एक साल में एक बार रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू 1 होगी। तब हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, ए बराबर पी, 1+R/T, जहाँ एन की वैल्यू 1 है। तो अब हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो आपने 1,00,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, और मान लो हमें एनुअली 20% का रिटर्न मिलता है। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में लगाने पर कुछ इस प्रकार होगा, ए बराबर 1,00,000 × 1+0.2 की होल पावर t, जहां t को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यदि हमने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो t 1 होगा, और अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो t बराबर 5 होगा, एच सो ऑन। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए t को हम क्रमशः 1, 3, 5, 10, 30, 50 और 100 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक्सेल शीट पर अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट देख सकते हो। पहले साल में हमारा ये अमाउंट 1,20,000 होता है,
तीन साल में 172,000 रुपए, पांच साल में 248,000 रुपए के आसपास, और ऐसे ही 100 साल में ये अमाउंट 828,000 करोड़ रुपए जनरेट करता है। दोस्तों, ये अमाउंट भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। यानी कि हमारी 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है कि वो 2024 में भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, अगर फॉर्मूले के अनुसार आप अपनी यंग एज में ही करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब फॉर्मूले के अनुसार आप टी यानी टाइम को कम करना चाहते हो, तो या तो रिटर्न यानी आर को बढ़ाना होगा या अपना इन्वेस्टमेंट पी को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि आप रिटर्न आर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना होगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पी को ही बढ़ाना सही होगा। मान लीजिए आपकी अभी नई नई जॉब लगी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 30-40% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि 30-40% सेव करना आसान नहीं होगा, परंतु अगर आपको 40 या 45 साल में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस बनके अपने खर्चे मैनेज तो करने ही पड़ेंगे। मान लो आपकी उम्र अभी 25 साल की है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो 30,000 का 45% हुआ 13,500 रुपए। अब ये अमाउंट आपको 15 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना ही होगा, तब आपको 40 की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगा, जहां पर रिटर्न आपका 20% लिया गया है। और यदि ये इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल तक रेगुलर किया तो 45 की उम्र में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 4,26,00,000 रुपए। यानी कि 30,000 की सैलरी से आप 45 की उम्र में करोड़पति बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, कंपाउंडिंग इन हेल्थ। तीन दोस्त होते हैं, राम, श्याम और राहुल। इनकी एज भी सेम है, ईटिंग हैबिट्स भी सेम है, इन तीनों का वेट भी सेम है, जो कि है 75 किलो। इन तीनों को हर शाम डिनर करने के बाद चॉकलेट खाने की आदत है। अब इनकी ईटिंग हैबिट में थोड़ा चेंज आता है। राहुल शाम को एक के बजाय 2 चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, राम रात को चॉकलेट खाना बंद कर देता है, और श्याम अपने अंदर कोई चेंज ही नहीं करता। अब 3 सालों के बाद राहुल 2 चॉकलेट हर रोज खाता था, उसका वेट 93 kg हो जाता है, जबकि श्याम का वेट सेम रहता है और राम का वेट 75 से 60 kg के आसपास हो जाता है। राहुल जो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट रोज खाता था, इसलिए उसके वेट में 17.7 kg का गेन हो गया है, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ गया है। अब वो फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी और काफी सारी बीमारियों में घिरा रहता है। तो पॉइंट ये है कि एक छोटा सा चेंज लंबे समय में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आप चाहे कितने बिजी हो, आपको हर रोज कुछ ना कुछ समय अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगाना चाहिए। ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती रहती है। क्या आपको पता है कि जब एलोन मस्क यंग थे और अपनी पहली कंपनी पेपाल खोल रहे थे, तो वो स्टीव जॉब्स से एक पार्टी में मिले, जहां स्टीव जॉब्स ने एलोन मस्क को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था, क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे। लेकिन अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो वो एलोन से बहुत ही अच्छे से बात करते, क्योंकि एलोन मस्क की नॉलेज कंपाउंड हो गई है। तो मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी भी बुक के रोज 4-5 पेज ही पढ़ोगे तो आप एक साल में 15-18 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसलिए हमें हर रोज कम से कम 30-40 मिनट अपनी नॉलेज पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट। लास्ट और चैप्टर नंबर 5, द कंपाउंडिंग ऑफ मनी। आपको अगर एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो कंपाउंडिंग के पावर को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यही वो पावर है जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यक्तियों को अमीर बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपाउंडिंग की पावर को छोटी सी उम्र से ही समझ गए थे, और यही कारण है जिस उम्र में बाकी बच्चों को पैसों की समझ तक नहीं होती है, उस उम्र में वॉरेन ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि आज उनके पास गूगल पर प्राप्त डेटा के अनुसार वीडियो एडिट करते समय $135 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो 13,350 अमेरिकन डॉलर बनते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिस्टेंसी लाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आप भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियली फ्री हो सकें और अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकें। कंपाउंडिंग अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि आपका एक छोटा से छोटा अमाउंट आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की ताकत रखता है। बट शर्त ये है कि आपको वो छोटा अमाउंट बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप भी अपनी 20
सिटीज में हो तो जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे आपका पैसा भी उतना ही जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तभी तो अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी, यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसा बनाता है और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो पैसा और भी ज्यादा पैसा बनाता चला जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल का मेन पर्पज आपको फाइनेंशियली एजुकेशन के प्रति अवेयर करना है, इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट करना है जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई होप आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इस वीडियो से आपको 1% की भी वैल्यू मिली हो तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।